देखिए वो पहले 10 साल एमएलए रह लिए, वो अपने 10 साल का हिसाब पहले बता दें, 5 साल कांग्रेस की सरकार में रहे, कोई 5 काम बता दें जो उन्होंने किए हों। नोटिस किया जो सड़क काटता है, जो सड़क काट देंगे उसकी वोट है। अच्छा, रड़कड़ों की वोट नहीं है, रड़कड़ों की वोट ना 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 ना। वे तो कह रहे सरकार बन रही है अब की बार जगाधरी में, तो फिट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने दिख रहा है देखो। अच्छा, जगाधरी विधानसभा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है एक विशाल रैली, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर के समर्थन में निकल रही है, जनता से वोट की अपील की जा रही है, और ये रैली नहीं जनता इसको रैला बता रही है, यानी कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे शहर में जो रैली है ये निकलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है जगाधरी विधानसभा की, ये तस्वीर है हरियाणा की, हरियाणा में 5 तारीख को पोलिंग है, और उससे पहले किस तरीके से ये आज एक विशाल रैली जगाधरी की जनता के बीच देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर के समर्थन में हजारों लोग यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। 5 तारीख को पोलिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले लगातार प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जगाधरी विधानसभा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये तस्वीर, देखिए भाजपा प्रत्याशी यहां पर एक बड़ी विशाल रैली जो है ये यहां पर, चौधरी साहब क्या कहेंगे आज की ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? ये तो आप ही बताओगे क्या कर रही है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो सब आपके सामने। ये एक बड़ी रैली नहीं, रैला बता रहे लोग, रैला इसको। देखिए ये जनता का प्यार है, और जो निष्पक्ष काम किया और जो लोगों के लिए काम किया सरकार ने, ये उसका परिणाम है। चौधरी साहब, कोई ऐसे प्रत्याशी भी मैदान में है जो कह रहे 10 साल का हिसाब 1 साल में, 1 साल जिता लो, भागीदारी कर दो, रड़क निकाल देंगे? देखिए वो पहले 10 साल एमएलए रह लिए, वो अपने 10 साल का हिसाब पहले बता दें, 5 साल कांग्रेस की सरकार में रहे, कोई 5 काम बता दें जो उन्होंने किए हों। चलिए चौधरी कंवरपाल जी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये रैली नहीं रैला बताया जा रहा है, देखिए ड्रोन से भी पूरी तस्वीर को कवरेज किया जा रहा है, ये तस्वीर है जगाधरी विधानसभा की। मोदी और कुछ नहीं। क्या बारी शहर का मोदी के साथ है? बिल्कुल मोदी जी के साथ है, कंवरपाल जी के साथ है। रड़े तो निकल गई उनकी लोगों की, उन लोगों की रड़े निकल चुकी है, और कंवरपाल जी आ चुके हैं। आप तो व्यापारी हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं? ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है, कि ये तो एक तरफा माहौल है। अच्छा, एक तरफा माहौल है, कंवरपाल जी आ गए हैं। ये शहर में नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है। एक तरफा है, दिल से बीजेपी के साथ है, दिल से बीजेपी के साथ है। जय जय श्री राम के नारों के साथ एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, ये तस्वीर आप देखिए, हरियाणा में चुनाव है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है जगाधरी विधानसभा की, ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, यहाँ पर हजारों की भीड़ नजर आ रही है, आज रैली है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं कंवरपाल गुर्जर उनके समर्थन में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जगाधरी शहर की तस्वीर है, और ये तस्वीर आज क्या बयां करती है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 5 तारीख को पोलिंग होगा, वोटिंग होगा, उससे पहले लगातार ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीर नजर आ रही है। क्या कहेंगे, ये तस्वीर क्या दिखा रही है? आज दिख तो रही मेरे भाई, तस्वीर साफ सुथरी है, क्या देखने की दिक्कत है, सच्चाई आया जी। तस्वीर 1,00,000 पार दिखा रही है, 50,000 वोट तो रोड शो में फिर रही, 50,000 इनके साथ घर बैठी, ठीक है, और 1,00,000 पार कंवरपाल ये घर ना बैठे रहे, 5 तारीख को दूसरा प्रत्याशी ने कह दिया आधे में हमें आधे में सारे। क्या आपकी घरवाली घर बैठी रहेगी आपके बिना? इसलिए हमारी घरवाली भी 4 वोट लेकर घर बैठी है।
मिल जाएगा पूरा, सिस्टम मिल जाएगा। 50,000 तो साथ साथ फिर रही, 50,000 वोट साथ है। उसकी क्या भाई, रड़क निकालने वाले की बोलती है, वे भी तो जीतेंगे। रड़क तो भाई काटनी चाहिए किसी की भी, रड़क नहीं काटनी चाहिए किसी की। उनकी वोट है, उनकी वोट नहीं है। ना 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 भाई साहब, क्या कहोगे, क्या है ये तस्वीर? बहुत भीड़ है, गम तो वापसी है, पर सांस भी नहीं आ रहा अंदर। अच्छा, हाँ जी, बहुत भीड़ है भैया। भीड़ भीड़ है या वोट भी वोट? एक तरफा माहौल है, एक तरफा। चौधरी कमरपाल का, चौधरी कमरपाल का एक तरफा माहौल, एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा। देखना भी तो 5 तारीख आने वाली है। ना ना, एक तरफा, एक तरफा। हाँ जी। अच्छा जी, अरे अभी तो 5 आने वाली है, अभी 5 आई कहाँ? 2 में दिख गया माहौल तो, 2 तारीख में दिख गया माहौल तो, दिख गया। चौधरी कमरपाल जिंदाबाद। अच्छा, अरे नू कह रहे रड़क निकालने वालों का वोट नहीं है क्या? रड़क निकाल कहते रहो भी, उनके भी वोट इसकी है जो सड़क काटता है, जो सड़क काट देंगे उसकी वोट है। अच्छा, रड़क वालों की वोट नहीं है, रड़क वाले की वोट? ना 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 ना, वे तो कह रहे सरकार बन रही है अब की बार जगाधरी में तो फिट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने दिख रहा है देखो। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी एक तरफा जी, एक तरफा, एक तरफा बीजेपी, एक तरफा बीजेपी। क्या लग रहा भाई साहब? चौधरी कमरपाल जिंदाबाद, एक तरफा। और भी तो मैदान में है भाई, एक तरफा भाई साहब। वे कह रहे 5 ने पता लगेगा, बेशक 8 तारीख को पता लगेगा। बाबू जी, क्या नजर आ रहा है? ये भीड़ तो बहुत है, लेकिन वोट भी डालेगी भीड़? काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चौधरी कमरपाल जी के टक्कर में कोई नहीं है। हाँ, ताऊ जी ने कह दिया काहे पड़े हो चक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में, सही बात कही इसने तो। फिर तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कुछ मत पड़ो चक्कर में, लग जाएगा पता फिर बाद में अपना भी। हमने भी पता लगा, और तब नहीं लगा सद बार पता। अच्छा जी, और ये करप्शन दूर निकलवाया तब ना। क्या लग रहा है, क्या है माहौल 8 को? माहौल क्या माहौल, तो फिर इतनी पार्टियां खड़ी, एक तो बनेगी, लोग बदलाव चाह रहे, एक बनेगी। हाँ जी, ताऊ जी ने कह रहे एक तो बनेगी, क्या लग रहा? भाई बीजेपी बनेगी, कमरपाल जी बनेगी, एक कर दिया बीजेपी पर। हाँ, एक गांव में भी सारों फिर आज हम सब बीजेपी का माहौल है जी। हाँ, एक तरफा माहौल है, ये क्या माहौल बन गया? चौधरी कमरपाल जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी, कमरपाल जिंदाबाद। 10 साल का हिसाब 1 साल में होगा पूरा, सरकार बदल रही है, यहाँ भी बदल रहा मामला। कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता, चौधरी कमरपाल जिंदाबाद है, एक तरफा। अच्छा जी, हाँ जी, एक तरफा कर दिया क्या? बिल्कुल, युवाओं की क्या राय है? चौधरी कमरपाल। अच्छा, पीछे कमरपाल जिंदाबाद, चौधरी कमरपाल जिंदाबाद। देखिए तस्वीर आई है, क्या कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, क्या लग रहा है, ये क्या है माहौल? भारतीय जनता पार्टी, क्या होगा जी, क्या होगा? बढ़िया होगा, ये भीड़ कहीं वोट भी डाल लेगी या नहीं? पहले से बहुत अच्छा, पहले से बेटर, बहुत बढ़िया होगा। तीसरी बार कमरपाल, ओरिजिनल वोट आया। रड़क निकालने वाले भी लड़ रहे हैं चुनाव, ये कह रहे 21 साल में पूरा। कोई नहीं टक्कर बा, कोई टक्कर बनिया, चौधरी कमरपाल जिंदाबाद, कमरपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद कमरपाल। भाजपा का राज रामराज, चौधरी कमरपाल जिंदाबाद, चौधरी कमरपाल जिंदाबाद। कर दिया जी काम, पूरा क्लियर है चाचे का। क्या कहेंगे ये तस्वीर, क्या आज बयां करेंगे? आज भारतीय जनता की जीत है, 8 तारीख को कमल खिलने वाला है। अच्छा, हां जी, लेकिन रड़क निकालने वाले भी तो वोट मांग रहे। रड़क तो निकल गई, कमल खिल गया। हां जी, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है यह तस्वीर देखने के बाद लग रहा है कि आखिर 8 तारीख को क्या रिजल्ट होगा। ये तस्वीर मैं कहूंगा, कैमरामैन को तस्वीर दिखाएं, ये जगाधरी विधानसभा की तस्वीर है। भाई साहब क्या कह रही है तस्वीर? कमरपाल जी अब की बार। अच्छा, हाँ जी, एक तरफा कर दिया, एक तरफा। 5 से पहले ही माहौल मार दी, पूरा माहौल है 5 से पहले ही, एक तरफा है, औपचारिकता है, आ गया रिजल्ट होना बाकी है। रड़क निकालने वालों के लिए क्या कहोगे? निकल गई, उनकी निकल गई। ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? ये
चौधरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर पाल जी बनने जा रहे हैं। लेकिन रड़क निकालने वाले भी तो मैदान में है, वो कह रहे हैं 10 साल की कसर निकाल देंगे। हमारा काम हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जिलाधरी की शहर ने मन बना लिया है, इस बार दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर आना है।